हर हर गंगे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं हर की पौड़ी से चंडी पुल के बीच में, और यहां पर आप सड़कों का नज़ारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा इधर में जो है जल इकट्ठा हो गया है। लगभग देखा जाए तो एक फीट से ज़्यादा जो है इधर में जल इकट्ठा हो गया सड़कों पर, और दो दिन पहले सड़क जो है प्रशासन द्वारा बंद कर दी गई थी। तो यहाँ से आप लाइव कांवड़ यात्रा भी देख सकते हैं। लगता है इन भोले की जो है बाइक खराब हो गई है, क्योंकि इन्होंने साइलेंसर निकाला हुआ था तो वहां से लगता है इंजन में डायरेक्ट जो है पानी चला गया शायद, तो धक्का मार के वो लेके जा रहे हैं। तो देख सकते हैं जो बाइक है कितना ज्यादा यहां पर गड़ गई है। तो ये जो रूट है दोस्तों हर की पौड़ी से जो है रुड़की के लिए जाता है, देख सकते हैं श्रद्धालु कितना ज्यादा परेशानी हो रही है। और फिलहाल दोस्तों जो है डाक कमल यहाँ से स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप सभी को सबसे ज़्यादा जो इधर में बाइक देखने को मिल रही है। ये ज़्यादातर जो भोले हैं अपनी डाक कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है जितने भोले हैं ये बाइक लेकर जा रहे हैं। और सभी ने देखो यहाँ पर सलंसर जो है खोल रखा है, और लगभग जो गाड़ी है मतलब इंजन तक भीग रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भोले जो है डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये सामने वाले भोले ने चारों तरफ से कवर करा हुआ है, डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं अपनी। तो देखा जाए तो हरिद्वार के अंदर श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा है, और इधर में भी ये सड़क जो है सबसे गहरी है। इधर में ये दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, लेकिन ये सड़क है तो इधर में सबसे ज़्यादा जल है। तो चलिए आप सभी को जो है हरिद्वार के और भी दृश्य दिखाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और दोस्तों अगर आप सभी को हरिद्वार से ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, अभी हम आगे की ओर आए हुए थे तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी जो है जल इकट्ठा हो गया है। देख सकते हैं बाइक जो है कितना ज़्यादा जो है धक्के चल रही है। और आज देखो यहाँ पर पूरी जो रोड है वो भर के चल रही है, क्योंकि डाक कांवड़ जो है दोस्तों शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और देखो श्रद्धालु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, पहले ये जो रूट है वो जाते हुए ही मिलता था रुड़की वाला मार्ग था, लेकिन ये जितने श्रद्धालु हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं और उधर से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो रुड़की वाले मार्ग के लिए जा रहे हैं दिल्ली हरियाणा के लिए अपनी कांवड़ लेकर। और जितना बाइकों का आपको क्रेज दिख रहा है यहाँ पर, वो सभी डाक कांवड़ लेने के लिए भोले आए हुए हैं ज़्यादातर इनमें से, और जल ले लेकर यहाँ से जो है जा रहे हैं वो। यहाँ से दोस्तों आप जो है लाइव कांवड़ यात्रा देख सकते हैं, और देख सकते हैं लगातार जो है बारिश पड़ रही है, और ऐसे में ही जो श्रद्धालु अपनी कांवड़ को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो भाई और जो है आप सभी को कल शाम तक सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये भोले जो है अपनी डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि परसों को जो है जल वाला दिन है। लगभग जो है आप सभी को जितने भोले हैं वो कल तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और भाई ये इधर में देखो, इधर में कोई गहराई वाला हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जल इकट्ठा हो गया है। और आज जो है देखो दिल्ली और देहरादून वाले मार्ग पर भी सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्री देखने को मिल रहे हैं, सामने जो है हाईवे है। और अभी दोस्तों हम चंडी पुल पर खड़े हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं चंडी नदी के अंदर जो है जल का जो स्तर है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी नदी के अंदर जो है फॉग सा उठ रहा है। और अगर आप देखो तो माँ चंडी देवी का आप सभी को मंदिर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पूरे जो है यहाँ पर फॉग ही फॉग छा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये श्रद्धालु यहाँ पर जा रहे हैं, और इधर भी देखो तो जो चंडी नदी है पूरी भर भरा कर चल रही है लगातार। दोस्तों हरिद्वार में कुछ दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और कल दोपहर से लगभग जो है बिल्कुल बारिश रुकी नहीं है इधर में। और इस साइड में जो है बाइकों का जो है पार्किंग का स्पेस बनाया हुआ है, और इधर में जो है थोड़ा सा बैरिकेड भी लगा दिया, तो इधर से हमें जो है जाने के लिए बोल रहे हैं वो। यहाँ पर दोस्तों जो है पार्किंग का स्पेस बना दिया है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर बाइकें आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो है डाक कांवड़ यात्रा जो है शुरू हो गई है, और जल वाला दिन जो है परसों को है, तो सबसे ज़्यादा यात्री आप सभी को आज देखने को मिलेंगे और कल शाम तक रात तक देखने को मिलेंगे इधर में। तो जिस किसी को भी बाइक खड़ी करनी है तो इधर में आके खड़ा कर सकता है। ये हर की पौड़ी को मार्ग जाता है, सामने हाईवे है, तो चंडी पुल से जो है नीचे वाला मार्ग आप पकड़ लेना, और इधर में आके जो अपनी बाइक वगैरह इधर में आके खड़ी कर लेना। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो भोले हैं अपनी डाक कांवड़ लेके जा रहे हैं सामने।
और अभी आप जो है मार्केट का नज़ारा देख सकते हैं, कितना ज़्यादा जल जो है इधर से निकल रहा है और यहाँ से जो है सीधा मुख्य गंगा नदी के अंदर ये जल जा रहा है। यहाँ पर ये जितनी सड़कें हैं देख सकते हैं जल में हो चुकी है। बहाव देखो भाई कितना ज़्यादा तेज है, मतलब आदमी को बह के ले जा रहा है। इधर में जल का स्तर ना इतना ज़्यादा तेज है कि मतलब बहा के ले जा रहा है। अभी निकल कर आ रहा था मैं तो यहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे इसी साथ जो है बहने का इरादा है। देखो काफ़ी मुश्किलें हो रही है इधर से निकलने के लिए। और इधर देखो हम मार्केट का नज़ारा, यह हरिद्वार के मेन मार्केट है दोस्तों, देख सकते हो दुकानें ही हल्की फुल्की यहाँ पर बची हुई है। श्रद्धालु जो है इसी में ऐसे निकलने को भी मजबूर है। अगर आप मार्केट में आओगे तो आप सभी को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मार्केट के इस वाले रास्ते को तो आप अवॉइड ही करना, मेन रास्ते से आ जाना, क्योंकि मेन रास्ते पर इतना ज़्यादा जो है जल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट में आओगे इस तरीके से तो आपको लगभग जो है एक फीट से गहराई में मिलेगा। यहाँ पर देखो एक फीट तक का जो है पानी है और बड़े संभाल के यहाँ पर कदम रखने पड़ रहे हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ पर जो है ज़्यादा गहरा है। ऐसे में जो है रोड का अंदाज़ा लग नहीं पाता है जब जो है सड़क पर जल भरा हो। तो दुकानें जो है लगभग काफ़ी खुली हुई है और काफ़ी जो है बंद भी हैं, अभी तक खुली नहीं है। और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9:15 बजे का। और अभी आप दोस्तों जो है सुभाष घाट का नज़ारा देख सकते हैं। देखा जाए लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी कम श्रद्धालु हमें देखने को मिल रहे हैं। लगभग जो घाट है खाली है इधर में, और इधर में देखो तो जो जल का स्तर है काफ़ी ज़्यादा कम है। उसका एक कारण है दोस्तों, जो प्रशासन है वो श्रद्धालुओं की सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर जो है डैम के गेट जो है काफ़ी कम खोले हुए हैं। तो इस वजह से आप सभी को यहाँ पर काफ़ी कम जो है जल देखने को मिलेगा। सामने जो है शिव घाट है और वहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी कम हमें श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ से भी आप जो है माँ गंगा मैया ताजा दर्शन कर सकते हैं। अभी आप सभी को हर की पौड़ी पर लेकर चलते हैं और सामने आप शिव सेतु का भी नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जल का स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये सामने नाई घाट का नज़ारा है और इधर से जो है ये मार्केट से जल आ रहा है। और इधर में भी देखो जो मुख्य गंगा नदी है काफ़ी ज़्यादा जो है जल का स्तर तेज है यहाँ पर। सामने भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर प्रशासन ने जो है रेस्क्यू के लिए बोट वगैरह भी खड़ी करी हुई है। और यहाँ से दोस्तों आप लाइव डाक कांवड़ यात्रा देख सकते हैं। भोले जो है अपनी डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं सामने जो जा रहे हैं। और घाटों पर देखो अभी जो है घाट लगभग खाली होना शुरू हो गए हैं क्योंकि दोस्तों लगातार बारिश हो रही है। आज और कल का दिन सबसे हाई था यहाँ पर कांवड़ यात्रा, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती। घाटों पर आपको जगह भी नहीं मिलती लेकिन बरसात की वजह से आप सभी को जो है यहाँ पर काफ़ी कम जो है श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। लगभग जो दूर दूर के भोले थे दिल्ली हरियाणा साइड के वो जा चुके अपनी कांवड़ लेकर। और इधर में भी देखो तो काफ़ी जो है कम हमें जल देखने को मिल रहा है सामने भी। कारण वही है दोस्तों, श्रद्धालु की सेफ्टी को देखते हुए प्रशासन ने डैम के गेट काफ़ी कम खोले हुए हैं। और अभी दोस्तों हम जो है नाई घाट पर आ चुके हैं। यहाँ से आप सभी जो है माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम श्रद्धालु हमें देखने को मिल रहे हैं। और बीच में अगर आप देखो तो जल का स्तर है काफ़ी ज़्यादा तेज है इधर में। यहाँ पर देख सकते हैं जो भोले हैं अपनी डाक कांवड़ में जो है जल भरने की तैयारी कर रहे हैं। ये अलवर राजस्थान का रहने वाले भोले हैं जो यहाँ से अपनी डाक कांवड़ जो है ले जाने वाले हैं। तो अभी आप जो है घाटों का नज़ारा देख सकते हैं। लगभग जो कांवड़ यात्री हैं यहाँ से जा चुके हैं। आज और कल आपको जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है अगर यहाँ पर बारिश नहीं होती। बारिश की वजह से लगभग जितने जो कांवड़िया यहाँ से जा चुके हैं दूर दूर के। और ये भोले देख सकते हैं यहाँ पर डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं अपनी। तो यहाँ से जो है आप लाइव डाक कांवड़ यात्रा देख सकते हैं। बीच में भोले हैं जिन्हें साइडों से जो है सभी ने कवर किया हुआ है। और अभी दोस्तों हम हर की पौड़ी मुख्य घाटों की ओर खड़े हैं। सामने ब्रह्मकुंड का मुख्य मंदिर है जहाँ से आप जो है माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। और हर की पौड़ी का जो है साफ नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है श्रद्धालु आए हैं। लगभग हर की पौड़ी के मुख्य घाट जो है खाली हमें जो है काफ़ी समय से देखने को मिले हैं और आज भी जो है लगभग खाली है। लेकिन बीच नदी में देखो तो काफ़ी जो है श्रद्धालु यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं वो।
तो चलिए यहाँ आप सभी जो है माँ गंगा मैया ताजा दर्शन कर सकते हैं, साथ ही नज़ारा देख सकते हैं, और इधर से जो है आप अस्थिप्रवाह घाट का भी नज़ारा देख सकते हैं, और सामने आप शंकराचार्य मठ से गणपति महाराज के ताजा दर्शन कर सकते हैं। और जल की गहराई की अगर बात करी जाए तो लगभग 1.5 से 2 फीट यहाँ पर जो है जल बह रहा है, और ऊपर ब्रिज का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए देखा जाए तो आज जो है काफ़ी जो है श्रद्धालु हमें इधर में देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बारिश नहीं पड़ रही होती तो और भी सबसे ज़्यादा आप जो है श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिलते, जगह ही नहीं मिलती, लेकिन बरसात के कारण जो है काफ़ी श्रद्धालु अपना जो है इधर में आ नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी बोले हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमें 14-15 तारीख में आना है और 20 तारीख में हमें इधर में आना है, तो क्या सेफ रहेगा या नहीं आना। तो मैं आप सभी को बता दूँ, खतरे वाली कोई बात नहीं है। अगर आप रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी के लिए आ रहे हैं तो वो जो मेन रास्ते हैं वो उन पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट रास्ता जो रहेगा वो रेलवे का रहेगा ट्रेन से आने का, क्योंकि अदर ट्रांसपोर्टेशन के जो है अगर आप रास्तों से आ रहे हैं तो काफ़ी जगहों पर आपको जाम देखने को मिलेगा, काफ़ी जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं बिजनौर वाले मार्ग पर, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है आपको साधन में जो है आने में हो सकती है। बाकी आप आ सकते हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश में इतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, अगर आप बारिश में आकर स्नान कर सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी आप जो है यहाँ से घाटों का नज़ारा देख सकते हैं, लगभग जो जितने कांवड़िया हैं यहाँ से अपनी कांवड़ लेकर जा चुके हैं, अब आप सभी को जो है लगभग घाट जो है खाली दिखाई देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप नाई घाट पर भी देख सकते हैं, जो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा जो है जल इकट्ठा हो गया है सामने देख सकते हैं, और ये कुछ नाई घाट का नज़ारा है, और इधर में जो है जितने श्रद्धालु है बरसात से बचने के लिए ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ से दोस्तों आप जो है हर की पौड़ी के मुख्य घाटों से आप माँ गंगा मैया ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। अभी लगभग दोस्तों जो है सुबह के 10 बजे का समय हो रहा है, लेकिन लगातार जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश और भी ज़्यादा जो है तेज़ हो गई है इधर में, और देख सकते हैं बीच जो है गंगा के अंदर काफ़ी जो है श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, और भाई ऐसे ही बारिश में जो है श्रद्धालु एक अलग ही मज़ा आ रहा है स्नान करने का। तो चलिए आप सभी जो है माँ गंगा मैया के मुख्य मंदिर से, साथ ही ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर से आप सभी जो है ताज़ा दर्शन कर सकते हैं, और नज़ारा आप देख सकते हैं। इस वाले घाटों पर जो है आप सभी को ज़्यादा श्रद्धालु देखना पड़ेंगे, लेकिन हर की पौड़ी के मुख्य घाटों पर काफ़ी कम श्रद्धालु आप सभी को देखने को मिलेंगे, और सामने से जो है आप शंकराचार्य मठ से गणपति महाराज के आप ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, साथ ही चैनल पर नए हो और डेली हरिद्वार से ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पता कर सकते हैं।